नमस्कार, देवस्मिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम गुलाब का जल बनाएंगे। तो गुलाब जल बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। गुलाब का जल बनाने के लिए गुलाब फूल के पत्ते चाहिए, पानी चाहिए, आइस चाहिए। तो आइए बनाते हैं गुलाब का जल। पहले हम गैस ऑन करेंगे। गुलाब का जल बनाने के लिए एक बर्तन चाहिए। गुलाब फूलों का पत्ते एक बोल लेंगे। इसको इसमें डालेंगे हम जिसमें बना रहे हैं बर्तन पे, पत्ते को डालेंगे। इसमें माप के पानी दो बोल लेंगे। गुलाब फूल का पत्ते जितने लेंगे हम पानी उसका डबल लेंगे। अभी इसके ऊपर एक स्टैंड रखेंगे जिसके ऊपर हम गुलाब का जल को कलेक्ट करने के लिए बर्तन रखेंगे। इसको हमें अब ढक देते हैं। इसको ऐसे बैठने देंगे। गैस को ऊंचे आंच में रखना है। उसके ऊपर हम आइस को रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम गैस को मीडियम आंच में रखेंगे। इसको हम 15 से 20 मिनट तक रखने देंगे। देखिए, ऊंचे आंच से बिठाने से गैस बाहर चला जाता है, तो उसको मीडियम कर देंगे। अभी 15 मिनट हो गया है। अभी हम देखेंगे हमारे कितना पानी कलेक्ट हुआ है। तो आइए देखते हैं कितना पानी हमारा कलेक्ट हुआ है। तो इतना पानी हमारा कलेक्ट हुआ है, और भी पानी बची है। तो फिर इसको हम और बिठा देते हैं इस प्रोसेस को हम 30 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं, जब तक इसके अंदर जो पानी है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम उसको बिठाएंगे। अभी देखिए बर्फ पिघल के पानी हो चुका है। अभी हम देखेंगे हमारा गुलाब का जल कितना तैयार हुआ। इसमें हमारे और भी पानी बचे हैं, इस पानी को हम निकाल देंगे और एक बर्तन में निकाल देंगे। इसके ऊपर हम और एक बर्फ दे देंगे। हमारा गुलाब जल बनके भी तैयार हो गई है। अभी हम गैस बंद कर देंगे। ये हमारा तैयार हुआ गुलाब जल है। थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देंगे, ठंडी हो जाएगा तो उसको हमें कोई भी बटर में भर के रख देंगे। इसको हम कोई भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं, कोई भी मिठाई में यूज कर सकते हैं, हमारी फेसियल पैक में यूज कर सकते हैं, और गाजर हलवा में यूज कर सकते हैं। कोई भी रेसिपी में हम उसको यूज कर सकते हैं।
तो इसको थोड़े ठंडे होने देते हैं, फिर उसको बॉटल में भर के रख देंगे। गुलाब की पत्ती से गुलाब जल हम एक बार ही निकाल सकते हैं और इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम फेंक देंगे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्ते।